मेरा दे कैसे हैं आप सब। आई होप के अच्छे होंगे। और आज मैं आपको फिर से अपने खूबसूरत कटिंग से ग्रो करे हुए प्लांट्स दिखा रही हूँ। और ये सारे बहुत अच्छे से मैंने 1.5 मंथ्स पहले जो बरसात आई उस बरसात में मैंने ये कुछ बॉटल्स कट करके और प्लांट्स लगाए थे। और आप इनकी जो हालत है वो देख रहे हैं। बॉटल की कटिंग भी दिखाती हूँ मैं आपको। साइज़ देख रहे हैं आप। तो इसमें मैंने नॉर्मल सॉइल भरी है गार्डन की और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और ये देखिए ये वो जार है, फिलहाल पानी गंदा हो गया, मुझे बदलना है। और ये वो जार है जिसमें हम लक्की बैम्बोज वगैरह लाते लगाते हैं। तो बैम्बोज तो मैंने मिट्टी में ग्रो करके और इसमें मैंने मनी प्लांट्स ग्रो किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस तरीके से ये पूरे प्लांट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एलिफेंट का पॉट लाई थी मैं, इसमें भी मैंने एक पॉट इस तरीके से कटिंग लगाई है पॉट में, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और इनको बुशी करने के लिए आप बस इतना करें कि जब ये लेंथ देख रहे हैं एक्स्ट्रा हो जाए, लटकने लगे, तो इनको पिंचिंग कर देना है अपने ब्रांच को। तो जब तक हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने घर को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरा टारगेट ये है इस पॉट को लेकर के कि जब तक ये डेकोरेट करने लायक होते हैं मैं इनको बुशी करूँ निरंतर पिंचिंग करके। और टारगेट के अकॉर्डिंग मुझे ये समझ में आ रहा है कि पॉट ना दिखे, सिर्फ प्लांट्स दिखे, इतना हो जाए और मैं इनको अपने घर में कहीं भी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मैं इन्हें डेकोरेट करना चाहती हूँ। तो हमारे गार्डन में बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स होते हैं। मनी प्लांट्स के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आप इस तरीके के पॉट में जिस तरीके से मैंने बताया बॉटल कट करके आप, या फिर आपकी मर्जी है आप किसी और भी पॉट का सहारा ले सकते हैं आर्टिफिशल्स का या फिर घर में किसी जुगाड़ से। तो इस तरीके से मैंने येलो पेंट करा है इस पर और डेकोरेट करने के लिए काफ़ी खूबसूरत है, जो कि फ्री में हम इस तरीके के प्लांट्स को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। बहुत अच्छी वाइब आती है। ओरिजिनल प्लांट से हमें आर्टिफिशल्स की ज़रूरत नहीं होती है, पैसे खर्च करने की खास करके ज़रूरत नहीं होती है अपने घर को इस तरीके से डेकोरेट करके। तो गाइस अगर आपको लगता है कि आप भी इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बहुत अच्छा भी, हमारे फेस्टिवल आने से पहले बहुत अच्छा रेनी सीज़न आता है जो हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छा निकलने का मौका देता है। तो आप भी इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप भी इस तरीके से कुछ पॉट बनाएं और अपने घर को नेचर से सजाएं, बहुत अच्छा लगता है। एक बार मेरे कहने से ऐसा करके देखें, मुझे लगता है जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे आपको भी लगेगा और बहुत सारे भाई बहन करते भी हैं ऐसा। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके की ईजी तरीके से अच्छी अच्छी अपडेट्स मैं देती रहूँगी और बहुत आसानी से। तो मेरे पास थोड़ी सी वॉचिंग टाइम की कमी है, काफ़ी टाइम से इस तरीके की जानकारी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मेरा वॉचिंग टाइम पूरा करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें अगर हेल्प करना चाहते हैं, अन्यथा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जानकारी अच्छी लगी हो फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक एंजॉय दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।